हेलो टू वेलकम टू माय होम एंड नेचर व्लॉग। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। थोड़ा तबीयत ख़राब सी है और वही प्रॉब्लम है कि गले में काफ़ी खराश और फीवर, दर्द और मतलब कि वीकनेस वगैरह है। वो फीवर से ज़्यादा परेशानी हुई है और गले में काफ़ी कफ और जकड़न सी हुई है। और आजकल ना जब भी ये फीवर और कोल्ड कफ हो रहा है तो काफ़ी टाइम लेके हो रहा है, जाता नहीं जल्दी। जबकि मेडिसिन मैं आज 6 दिन हो गए लगभग खाते हुए, लगातार मेडिसिन मैं ले रही हूँ और पीने वाली भी दवाइयाँ हैं और जो स्टीम वगैरह है वो भी लेती हूँ, फिर भी आराम नहीं मिलता। तो आजकल एक बहुत ज़्यादा टॉपिक है कि वैक्सीन्स की वजह से मतलब लोगों में ब्लड क्लॉटिंग हो रही हैं। तो मेरे को जहाँ तक लगता है, वैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर जहाँ तक का अनुमान है और जहाँ तक का मैं, मेरे पापा तो डॉक्टर हैं ही, तो वो ऐसा बोल रहे हैं वैक्सीन की वजह से नहीं है, क्योंकि वैक्सीन्स और जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स तो वैसे भी होते हैं। और ये लगाने के पहले भी सरकार ने अवेयर किया था कि मतलब वैक्सीन से प्रॉब्लम हो रही हैं, पर वैक्सीन की प्रॉब्लम 38 डेज तक ही इसके सिम्टम्स होने थे। तो जिनको हुए होंगे हुए होंगे, और नहीं हुए होंगे तो उनको नहीं हुए आए होंगे, बट कुछ लोगों में बहुत आए थे। मेरी बेटी है, उसको ही सेकेंड डोज लेते ही काफ़ी तेज़ फीवर, वीकनेस और ये सब हुई थी, बट हम लोगों ने कोविशील्ड नहीं, कोवैक्सीन लगवाई है। और कोवैक्सीन जो है कहीं कहीं पे अवेलेबल थी, कहीं पे नहीं अवेलेबल थी, तो कोविशील्ड ज़्यादा लोगों ने लगवाई है बाकायदा कोवैक्सीन के। तो मतलब कि मेरी जानकारी में तो कोविशील्ड ज़्यादा लगी है लोगों को, कोवैक्सीन कम लगी है। तो क्योंकि वो थोड़ा पेड मिल रही थी तो इसलिए वो कम पैसे की थी, वो ज़्यादा पैसे की थी, कुछ ऐसा भी था और ऐसा ही था। तो फिर वही है कि अभी मेरे घर में जो है सबने लगाई है, दोनों डोज सबकी पूरी हुई है कोवैक्सीन की, बट हमारी मम्मी जो कोविड हो चुका था, उनकी पूरी फैमिली को कोविड हो चुका था, और मतलब उनके यहाँ तो यही है कि सेकेंड वेव में क्या फर्स्ट वेव में ही उनके यहाँ सबको हुआ था। तो उसके बाद से सेकेंड वेव की तो वो है सुनामी जैसी आई हुई थी, वो तो डरावना मंजर था कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर सभी घटे थे। तो उस समय जो सरकार कर रही थी बहुत ही अच्छा कदम था, क्योंकि जो है अगर ऐसा नहीं करती तो शायद ही बहुत ही जान जाती, तो लोगों को लगवाना ही था। और उस समय जो लोग जॉब करते थे उनकी जॉब इसीलिए चली गई थी, जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे तो उनको काम पे नहीं लिया जा रहा था वापस, ये भी एक रीज़न था। तो बहुत लोगों ने लगवाया, बहुत लोगों ने फिर भी डर के मारे नहीं लगवाया। तो मेरी मम्मी के यहाँ लोगों को हुआ था, तो मम्मी ने नहीं लगवाया था, पापा ने भी नहीं लगवाया था, बट अभी पिछले मई में मम्मी को अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ और में क्लॉट आया। तो अब उसकी वजह देखिए वैक्सीन तो नहीं है, जहाँ तक मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हो सकता है उनको कोविड हुआ हो, उसकी वजह से हुआ हो। और कोविड ने जाने अनजाने बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ करी हैं हम लोग के ह्यूमिनिटी ह्यूमन बॉडी में, और बहुत चेंजेस ला दिए हैं। कोरोना के आने से बहुत कुछ फ़र्क लाइफ स्टाइल और इस लाइफ पे पड़ा है और पूरे सिस्टम पे, शरीर के पड़ा है, तो उससे हो सकता है। बट वैक्सीन को दोष देना गलत है, वैक्सीन ऐसा नहीं है, वैक्सीन से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन क्या इस तरह, तो फिर बच्चों को जो भी वैक्सीन्स लगी हैं या किसी भी चीज़ की वैक्सीन्स लगती हैं तो उसके सभी के साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं थोड़े दिनों के लिए। और ये साइड इफ़ेक्ट 1 मंथ 1 ईयर के लिए हो सकते हैं, पर जो अभी का आंकड़ा आ रहा है वो
पिछले एक साल और अभी का है हो रहा है ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं कोविड ने हमारे लोग के जीवन में बहुत बदलाव ला दिए हैं, तो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे ब्रेन की हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे किडनीज प्रॉब्लम हो। ये प्रॉब्लम्स पहले भी लोगों को थी और इसकी वजह से सेकेंड वेव या उसमें भी बहुत लोगों ने जान गंवा दी थी। तो इस चक्कर में भी डरते डरते लोगों ने वैक्सीन ली, वो चाहे जवान हो या बूढ़े हो, एजेड हो, सबको लगी थी। तो उस समय किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट आज के युग में हो रही है। तो अब इसका क्या रीज़न है, तो ये तो अभी रिसर्च से पता चलेगा। बट जहाँ तक का मेरा अभी जो मैंने बोला कि मम्मी को मेरी वैक्सीन नहीं लगी थी, मैंने नहीं लगाया क्योंकि उनको हो चुका था। और ये कहा जा रहा था कि जिनको हो चुका है उनको वैक्सीन नहीं लग रही हैं, तो उन लोग को उसी समय हुआ था, तो इसलिए वो सारे फैमिली के 3-4 लोग हैं उनको लगा ही नहीं। फिर लगी भी तो फर्स्ट डोज की वह लगी, तो फर्स्ट डोज लगी थी वो, और उसके बाद फिर कोई लगी नहीं। वो भी एक आध लोगों को ही लगी, फैमिली में उनके ज़्यादा मेम्बर्स हैं, सबको नहीं लगी। तो उसके बाद में यही है कि उनको अभी पिछले मई में ब्रेन हेमरेज की शिकायत हुई थी, और इसकी वजह से वो 4 दिन ICU में रही और उसके बाद में मेड से चल रही हो, और कुछ हिस्सा पैरालाइज हो गया है टंग का, बोलने में प्रॉब्लम है उनको। और वो अब तो काफ़ी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है मेडिसिन से और चीज़ों से, केयर से। तो यही बोलना चाहूँगी कि मैं भी बीमार चल रही हूँ, और जब भी सर्दी जुकाम हो रहा है तो काफ़ी डर लगता है वो चीज़ें सोच के कि चलिए वैक्सीन लगाई है तो शायद सेफ हो वैक्सीन लगाई, पर वैक्सीन का असर भी 1 ईयर ही रहता है, ज़्यादा तो नहीं बताया गया था। तो इसलिए आप चिंता और परेशानी छोड़िए, और जो होता है भगवान पे छोड़िए, और सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, पूरा देश अच्छा रहे, कोई बीमारी ना आए किसी को। मेरी यही विशेष है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये छोटा सा क्या एक बड़ा सा टॉपिक कह लीजिए, छोटा सा कह लीजिए, एक टॉपिक है उसको मैंने आज बताया। और आपको बोलने से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो ख़राब ही है, वही है कि कफ एंड कोल्ड हुआ है, तो मेडिसिन ले रही हूँ, और आज 5-6 दिन हो गए हो चुके हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट एंड न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।